चॉकलेट केक तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। आज हम चॉकलेट केक प्रीमिक्स की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिससे कि केक बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस केक प्रीमिक्स को आप स्टोर करके भी रख सकते हो। इस प्रीमिक्स से जो केक बनती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बनती है। तो आइए चॉकलेट केक प्रीमिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम एक कप मैदा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ml के मेजरिंग कप से माप के लिया है। अब हम उसमें डालेंगे आधा कप प्लस एक टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। साथ ही में डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। यहाँ पर हम चॉकलेट केक प्रीमिक्स बना रहे हैं तो इसलिए हम 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। अब हम उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते आप तो केक बनाते वक्त पानी की जगह आप दूध का इस्तेमाल करें। अब हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी केक को फुलाने में मदद करता है तो उससे भी केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब हम उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक डालने से सारा फ्लेवर अच्छे से बैलेंस होगा। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और 1/4 टीस्पून नींबू का सत, या तो नींबू का फूल या तो साइट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। तो 1/4 टीस्पून ही डाले, ज़्यादा ना डाले। अब मिक्सी का ढक्कन बंद करके इसको पीस लेते हैं। तो तकरीबन 1 मिनट हमें पीसना है। तो सारी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम उसको छानेंगे। तो इसको छानने के लिए मैंने एक बाउल में एक छलनी रख दी है। तो भले ही हमने मिक्सी में इसे क्रश किया हो पर फिर भी इसे छानना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम छान लेते हैं। देखिए तो ये हमारा प्रीमिक्स रेडी हो गया है। अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। तो एकदम क्लीन हो ऐसा कोई भी हमें कंटेनर लेना है। तो सारा प्रीमिक्स हमने एक कंटेनर में ले लिया है। अब इसको ढक्कन बंद करके हम स्टोर करेंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 महीना आप फ्रिज के बाहर ही इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 200 ml का मेजरिंग कप लिया है, उससे माप कर हम केक बनाएंगे। तो जितनी क्वांटिटी में आपको केक बनानी हो उतनी क्वांटिटी में आप प्रीमिक्स लेकर केक बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ऊपर से हम थोड़ा लेवल कर देते हैं। देखिए इस तरह से। अब एक बोल में हम ले लेते हैं। इस केक प्रीमिक्स में ज़्यादा तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून बिना फ्लेवर वाला तेल डालेंगे। यहाँ पर कोई भी फ्लेवर वाला तेल हमें नहीं लेना है। उसमें हम डालेंगे पानी। आप चाहो तो थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए
तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से रखनी है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। देखिए इतना मुझे पानी लगा है, तो 70 से 75 ml जितना पानी लगा है। तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सारी साइड से। अब एक केक टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है और नीचे बटर पेपर रख दिया है। अब हमने जो केक का बैटर रेडी किया है वो हम इसमें ले लेते हैं। तो पतीले को मैंने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, तो प्रीहीट करें तो धीमी आंच पर ही आप प्रीहीट करें। तो थोड़ा सा टेप कर लेते हैं ताकि लेवल भी हो जाए और एयर बबल हो तो वो निकल जाए। तो पतीले में नीचे मैंने रेत रखी है, आप चाहो तो नमक भी रख सकते हो और ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अब ढक्कन बंद कर 30 से 35 मिनट तक धीमी आंच पर ही हम केक को बेक करेंगे। तो 30 से 35 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। देखिए देखने से ही लग रहा है कि हमारा केक बनकर तैयार है। तो एक स्टिक से हम चेक करेंगे, देखिए एकदम क्लीन निकली है स्टिक, तो मतलब है केक हमारा अच्छे से बन गया है। तो केक को हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि ठंडा होने के बाद इसकी साइड्स अलग हो गई है। तो एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा टेप करेंगे तो आराम से निकल जाएगा और बटर पेपर को निकाल देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो टिन को तेल या बटर से ग्रीस करके मैदे से डस्ट करके भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है केक, एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनी है। देखिए देखिए कितनी सॉफ्ट है। अभी से ही खाने का मन कर गया है ना, तो मैं कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए देखिए एकदम सॉफ्ट बनी है, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी केक बनी है। तो तैयार है हमारी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट केक। तो आप इस प्रीमिक्स को एक बार बनाकर रख लो तो बस सिर्फ पानी और तेल ही डालना रहेगा। तो आपने इसी माप को फॉलो करके ये केक प्रीमिक्स बनाया तो 100% आपका केक भी परफेक्ट बनेगा। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाए ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।